अगर इस नंबर की गाड़ी आपको कहीं भी दिख जाए, चाहे पुरानी ही क्यों ना हो, तुरंत खरीद डालें और अपना फ़ायदा बना डालें, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है अगर इस नंबर की गाड़ी आपको मिल जाती है। क्योंकि कोई खुशनसीब ही होता है उसको मनचाही नंबर की गाड़ी मिल जाए। हालांकि नई गाड़ी का नंबर आप एक्स्ट्रा पेमेंट देकर ले सकते हैं, ये प्रोसीजर है, और अगर ये संभव हो तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन हर किसी के लिए नई गाड़ी लेना संभव नहीं होता। और जिनका आर्थिक स्तर कुछ निम्न होता है तो वो पुरानी गाड़ियाँ ही लेते हैं, लेकिन पुरानी गाड़ी लेने का ये फ़ायदा है कि आपको मनचाहा नंबर उस पर मेंशन किया हुआ मिल जाता है। तो पुरानी गाड़ी में कोई एक्स्ट्रा पेमेंट आपको नंबर के लिए नहीं देना पड़ता, जबकि नई गाड़ी के लिए लेने के लिए वीआईपी नंबर लेने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ता है, तभी वो नंबर आपको अलॉट होता है। तो आइए अंकों की जानकारी आपको मैं देती हूँ, और कोई कौन सा ऐसा नंबर है जो आपको खुशनसीबी दे सकता है, आपकी आर्थिक स्तर में जो बहुत ज़बरदस्त उछाल ला सकता है, आपको उन्नति दे सकता है, आपको बरकत दे सकता है, और आपको आर्थिक रूप से संपन्नता दे सकता है, पैसे वाला बना सकता है, करोड़पति अरबपति तक बना सकता है। आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे व्हीकल कुछ लोगों के पास आए जिससे उनकी तकदीर बदल के रह गई और बदल उनका भाग्योदय हो गया, तो ये चमत्कार से कम नहीं होता। उन लोगों के मुंह से आपने सुना होगा कि ये गाड़ी लेने के बाद मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई या मेरी किस्मत में बहुत ज़्यादा अच्छा बदलाव हो गया, तो ये आपने कई लोगों से सुना होगा, ये सच भी होता है। कई गाड़ियाँ इतनी लकी होती हैं कि पुरानी होते हुए भी जातक का भाग्योदय कर सकती हैं। तो आइए आज के वीडियो में आपको बताती हूँ कि गाड़ियों का कौन सा नंबर शुभ होता है और कौन सा ऐसा नंबर होता है जो सोच समझ के लेना चाहिए। गाड़ी का रंग भी आपको बताऊंगी। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा लीजिए और ऑल पर क्लिक करिए, जिससे कि जब भी मैं वीडियो डालूंगी, मैं 2-3 वीडियो डेली डालती हूँ। मेरा नाम डॉक्टर उमाश्री है और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो 2-3 वीडियो डेली डालती हूँ जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिल सकता है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। 6 नंबर बहुत लकी होता है और आपको 6 नंबर प्रॉस्पेरिटी दे सकता है। 6 नंबर 3 वालों के लिए लकी नहीं होता, लेकिन अगर 3 नंबर है आपका तो 6 नंबर नहीं लेवें, लेकिन अगर आप 6 नंबर लेते हैं या 15 नंबर लेते हैं या 24 नंबर लेते हैं तो आपका भाग्योदय बहुत जल्दी हो जाता है और आप संपन्नता को प्राप्त हो जाते हो। ये ऐसा चमत्कारी नंबर है, अगर आप किश्तों पे गाड़ी लेते हो तो आपको पेमेंट भी मतलब खुद से नहीं करना पड़ता, ऐसे अनजाने सोर्सेस से पैसा आ जाता है कि वो मतलब किश्त ऐसे ही निकल जाती है और आपको पता भी नहीं चलता, आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं पड़ता। तो 6 नंबर और 15 नंबर बहुत लकी हैं और 6 नंबर और 15 नंबर की गाड़ी आपको मिले, 1500 नंबर जिसका टोटल 6 आता हो, मतलब 15 नंबर भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 1500 भी हो सकता है, 6 नंबर टोटल आना चाहिए और 6 नंबर प्रॉस्पेरिटी का नंबर है। तो ये नंबर अगर आपको पुरानी गाड़ी में भी मिलता है तो आपको तुरंत खरीद लेनी चाहिए। दूसरा नंबर है 5, ये भी बहुत लकी नंबर होता है, आपको 5 नंबर की गाड़ी मिले या 14 नंबर की गाड़ी मिले, आपको तुरंत खरीद लेनी चाहिए और टोटल 5 आना चाहिए गाड़ी का, कैसे भी आए। 5 नंबर की गाड़ी बिजनेस में ट्रांसपोर्ट में बहुत लकी रहती है और ट्रांसपोर्ट में बहुत ज़्यादा इसका वर्चस्व रहता है, तो 5 नंबर की गाड़ी अगर आपको मिले, भले ही पुरानी मिले, तो आपको तुरंत खरीद डालनी चाहिए। 5 नंबर की और 6 नंबर की गाड़ी सफ़ेद अलग की रहती है, मतलब अच्छी रहती है। 5 नंबर की गाड़ी और 6 नंबर की गाड़ी आप सिल्वर भी ले सकते हैं और वाइट भी ले सकते हैं, आपके लिए बहुत लकी रहती है, लेकिन पुरानी गाड़ी में ये देख लें कि कंडीशन अच्छी हो। अगर आपका शनि अच्छा है तो आप जिसका गाड़ी का टोटल 8 आता है वो ले सकते हैं, गाड़ी ब्लैक भी हो तो लकी रहेगी आपके लिए, लेकिन आप आश्वस्त हो जाएं कि आपका शनि अच्छा है भी कि नहीं। और मंगल आपका अच्छा है तो 9 नंबर जिसका टोटल आता है वो गाड़ी आपके लिए लकी रहती है, भले ही पुरानी हो या नई। लेकिन 8 नंबर की गाड़ी मतलब जिसका टोटल 8 हो और काली हो, इसमें दुर्घटना का बहुत भय रहता है, लेकिन अगर आप शनि आपका शुभ है और आपकी कुंडली में योग कारक है तो आपके लिए लकी रहेगा और आपको ये गाड़ी खरीद लेनी चाहिए। पुरानी गाड़ी भी आपके लिए लकी रहेगी अगर आपका शनि अच्छा है।
नौ नंबर जिसका टोटल आता है और लाल रंग की गाड़ी है तो आप पुरानी भी ले सकते हैं, लेकिन ये इसमें भी दुर्घटना का भय रहता है और ये सोच समझ के लेनी चाहिए, ये ऐसा नंबर है। तो आज का मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। अगर ज़रा सा भी पसंद आए तो लाइक करना, आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। जानकारी शेयर भी करना, शेयर करने से सबकी दुआएँ मिलती हैं, आपको भी दुआ मिलती है और मुझे भी दुआ मिलती है। कमेंट सेक्शन में जय माता दी, जय श्री राम और ओम नमः शिवाय जैसे पवित्र शब्दों का जयकारा अवश्य लगाइए। आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।